जो ये अशरा मजालिस का सिलसिला जारी है, आप इस अशरा मजालिस की सभी मजलिसों को शान अदा यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आप बता तो उदानी शक्ति से शान अदा ही नहीं बल्कि बहुत ही यूट्यूब चैनल है जो हमारे कौम के नौजवान लड़के चला रहे हैं। आप बता से उदानी शक्ति इन लोग के लिए हेल्प एंड सपोर्ट किए, जल्द से जल्द यूट्यूब जो चैनल है वो सैटेलाइट चैनल हो जाए ताकि इनको कोई दुश्वारी पेश ना आए और जल्द से जल्द ये चैनल जो है बराह रास्त हम अपने घर में देख सकें। वजह एहतराम मोमिनीन यूसुफ नया यूट्यूब चैनल की भी ये हाजी इमाम बारे में जो अशरा मजालिस का सिलसिला जारी है, आप हजरात इसे बराह रास्त देख सकते हैं। वजह एहतराम मोमिनीन इस अशरा मजालिस की सभी मजलिसें वक्त की पाबंदी से तिलावत कलाम बारी से ठीक 8:15 कारी कबीर सल्ले महू के कर देते हैं। उसके बाद मौलाना मसूद मजीद को खिताब फरमाते हैं। वाजुल एहतराम मोमिनीन, इससे पहले कि मौलाना मसूद मजीद को खिताब फरमाए, मैं आज की तारीख के मुनासिबत से कि आज जहां भी मजलिसें हुई हैं वहां जनाब मुस्लिम के मसाइल पढ़े गए हैं, तो मैं मीर अली सल्लल्लाहु मकामहु की एक कथा सुना दूं जो जनाब मुस्लिम के लिए है। 18वीं सदी में मीर साहब ने कहा था कि रास्ते में सुनी जब खबर मुस्लिम हानी, अरे मुठा के रोया असदुल्लाह का जानी, सदमे से मुसाफिर का लहू हो गया पानी, फरमाते थे अफसोस बरादर की जवानी, अरे आज उन पे जो गुजरी वो हमारे लिए कल है, मुस्लिम की शहादत हमें पैगाम अजल है। फाजिल एहतराम मोमिनीन हमसे अशर मजालिस की पहली मजलिस को अपने मखसूस अंदाज से खिताब फरमाने जा रहे हैं। खतीब अहले बैत ज़ाकिर अहले बैत अली जनाब मौलाना डॉक्टर फैजान जाफरी अली अली मारूफी साहब चौधरी, बावाज बरात नारे नियते
आज़ादारी, फिर इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से बाकायदा तौर से गुफ्तगू होगी। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है फ़क़्सुल क़ससा लअल्लहुम यतफक्करून, गुज़श्ता वाक़यात को बयान करो, गुज़श्ता वाक़यात को बयान करो ताकि लोग और फिक्र करें, समझें, सोचें और समझें। यह सूरह आलाक की आयत नंबर 176 बड़ी खूबसूरत आयत है कि गुज़श्ता वाक़यात को बयान करो, और सिर्फ आयत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आर्डर मिला है। फ़क़्सुस का मतलब यह है कि बयान करो, यानी आर्डर हो रहा है, हुक्म हो रहा है, अल क़सस गुज़श्ता वाक़यात को। तो हमारी ज़िंदगी में कितने वाक़यात हैं हम किसको बयान करें, सवाल तो ये है ना, हम किसको बयान करें। हमारी ज़िंदगी से मुतालिक वाक़यात हैं, हमारे बचपने से मुतालिक वाक़यात हैं, हमारी जवानी से मुतालिक वाक़यात हैं, हमारे अब्बा और अम्मा से मुतालिक वाक़यात हैं, हमारे दादा से मुतालिक वाक़यात हैं, इतने वाक़यात। और थोड़ा सा अगर पढ़ने चले गए तो स्कूल से मुतालिक वाक़यात, यूनिवर्सिटी से मुतालिक वाक़यात, शादी हो गई तो ससुराल से मुतालिक वाक़यात, अपने घर खानदान, ये इतने वाक़यात हैं। ये खुदा आपने हुक्म दिया है कि बयान करो गुज़श्ता वाक़यात को। जब हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं इतने सारे वाक़यात का अंबार है, कौन से वाक़यात बयान करें। तो आवाज़ कुदरत आती है, हर वाक़या बयान के लायक नहीं है, लअल्लहुम यतफक्करून, वो वाक़या बयान करो जिसके बयान करने के बाद लोग सोचने लगे, समझने लगे और फिक्र करने लगे, तफक्कुर की आदत पड़ जाए, सोचने और समझने लगे, और सोचने और समझने के नतीजे में फिर इबरत हासिल करें और फिर उसी पर अमल पैरा हो जाए। बड़ी आसानी से हम सलमान कह देते हैं कि ये जो है मजलिसे बिदअत है। अब मुझे ये बताइए, अगर मजलिसे बिदअत है उनको जरा भी ये तवज्जो नहीं हो रही है कि अल्लाह कह रहा है, हुक्म दे रहा है वाकया को बयान करो, और इस मजलिस में क्या बयान होता है, वाकया करबला ही को बयान होता है। यानी क्या मतलब, यानी हम सिर्फ सुन्नत पैगंबर पर अमल नहीं करते, अल्लाह के हुक्म पर भी अमल करते हैं। अल्लाह का फ़क़्सुस बयान करो गुज़श्ता वाक़यात को। अब मुझे ये बताइए वाकई करबला से खूबसूरत कौन सा वाक़या है जिसे बयान किया जाए, कोई वाक़या पूरी दुनिया में है, कोई वाक़या आप नहीं दिखा सकते जहां दर से ईसार मिलता है, दर से कुर्बानी मिलता है, दर से तालीम मिलता है, भाई बहन के दरमियान मोहब्बत और कुव्वत का दर्स मिलता है, हमको वाकई के दरमियान जो इम्तियाज है उसका भी दर्स मिलता है। तो आज की मजलिस का उनवान है नियत आज़ाद। बड़ी खूबसूरत एक हदीस है छठे इमाम इमाम जामा, माफ कीजिएगा अगर थोड़ी देर हो गई होगी तो, इसलिए कि मैं सज्जाद था मजलिस पढ़ के गौरव उतरा हूँ, गौरव यहाँ आया हूँ बीच में, क्योंकि वो रास्ता वहाँ पर बंद था, इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक भी था, इसलिए 5-10 मिनट इधर उधर हो गया। सलवात और मोहम्मद वाले अब मुझे बात का बताइए कि अहले-बैत का सिर्फ इबादत है कि नहीं, बिल्कुल इबादत है। रिवायत आयत और रिवायत आप देखिए, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं सिकरो अली की इबादत, अली का जिक्र इबादत है। क्यों इबादत है, कहा लियाना जिक्रहु जिक्री, क्योंकि उसका जिक्र मेरा जिक्र है, व जिक्री जिक्रुल्लाह, और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, व जिक्रुल्लाह इबादत, और अल्लाह का जिक्र इबादत हुआ करता है। अहले बैत का जिक्र इबादत है, और भी बहुत सी दीगर आयत हदीस है जो आपने सुनी होगी कि अहले बैत का जिक्र इबादत है। तो सवाल यह होता है कि फिर कमज़दा होना भी इबादत है, अहले बैत के कम में कमज़दा होना भी इबादत है, जबकि यकीनन इबादत है। छठे इमाम की बड़ी प्यारी हदीस है, इस हदीस के आखिर में मौला ने यह फरमाया, इस हदीस की अहमियत जरा समझिए, मौला ने यह फरमाया यजिब अन 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 युक्तबा बिल, यानी इस हदीस को
इंसानों को चाहिए कि इस हदीस को सुनहरे हर्फ से लिखा जाए, इतनी प्यारी हदीस है। अब हदीस क्या सुनिए, फरमाते हैं मौला नफसुल महमून लिज़ुल्मना तस्बीहुन व हम्मुहु लला इबादतुन। क्या मज़मूम होना भी इबादत है, अज़ादारी करना भी इबादत है, यकीनन इबादत है। मौला ने फरमाया नफसुल महमून लिज़ुल्मना तस्बीहुन, हमारे जुल्म के लिए, हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है, हमारे ऊपर जो मुसीबतें खाई गई हैं, उसके लिए गमज़दा होना और गमज़दा होकर सांस लेना तस्बीह का सवाब रखता है। जब आप गमज़दा हैं किसकी मुसीबत पर, अहले बैत की मुसीबत पर, गमज़दा होकर जो सांस लेता है इंसान, वो सांस लेना तस्बीह का सवाब है। मैं ही कह रहा हूं, हमारे छठे इमाम फरमाते हैं सांस लेना, गमज़दा होकर सांस लेना तस्बीह का सवाब है। वहम्मुहु लना इबादा, और इंसान का हमारे गम में मगमूम होना इबादत हुआ करता है। मगमूम होना, रंजीदा होना, हमारी मुसीबतों पर, हमारे ऊपर जो जुल्म होता है उस पर गमज़दा होना, मगमूम होना इबादत है। तो मगमूम होना भी इबादत, जिक्र अहले बैत तो इबादत है ही, मगमूम होना भी इबादत है। जब ये इबादत है तो सवाल ये होता है कि बाकिया जितनी भी इबादत है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, कुंस है, जितनी भी इबादत आप देखें, सब में नीयत का एक बड़ा दखल है। नमाज की नीयत होती है, रोजे की नीयत होती है, हज ज़कात की नीयत होती है, सब के हर इबादत में आपको नीयत पाई जाएगी। तो जब हमने ये तस्लीम कर लिया कि अज़ादारी इबादत है, और मौला ने भी फरमाया कि ये इबादत है अज़ादारी, तो इस इबादत की, इस अज़ादारी की नीयत क्या, उन्वान ये है नीयत अज़ादारी, नीयत क्या होनी चाहिए। मैंने नीयत की, मैं दो रकात नमाज पढ़ता हूँ, कुर्बत ले अल्लाह, मैं रोजा रखता हूँ सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से, एक नियत हुई, रोजे की नियत हुई, हुक्म की नियत हुई, हर इबादत की नियत है। तो जब हमने अज़ादारी को इबादत तस्लीम किया है तो इसकी नियत क्या होनी चाहिए। अब देखिए नियत की दो तरीके से, एक अमल के जरिए से नियत का इजहार होता है और एक ज़बान के जरिए से नियत का इजहार होता है। अमल के जरिए से कैसे, जैसे मैं निकला एक वक्त मुअय्यना पर, घर से वक्त मुअय्यना पर मैं निकला, मालूम ये हुआ चूंकि अजान का टाइम है लिहाजा मस्जिद जा रहा हूं, क्योंकि रोजाना मैं इसी टाइम पर निकलता हूं, सामने वाले ने देखा मेरे अमल को, समझ गया कि इनकी नीयत मस्जिद जाने की है। अब मस्जिद जाने के बाद कौन सी नमाज पढ़ना है वो अलग नीयत है कि नहीं, ये हमारे अमल ने बताया कि हमारी नीयत मस्जिद जाने की। बहुत तवज्जो, मैं निकला मुअय्यना वक्त पर, फला साहब के मकान से आवाज आ रही है मजलिस की, मैं निकला हूँ फला शख्स के मकान पर जाने के लिए, ये हमारे अमल ने बताया कि हम मजलिस में शिरकत की गरज से, मजलिस में शिरकत की नीयत से जा रहे हैं फला साहब के मकान पर। तो ये इसको कहते हैं ऐसी नीयत जो मैंने अमल किया तो उस अमल से मुझे आपकी नीयत का अंदाजा हो गया। एक जबान से नीयत होती है, मैं जा रहा हूँ फला मजलिस में, क्यों, इसलिए कि वहां तबर्रुक बहुत अच्छा मिलता है। मैं जा रहा हूँ फला मजलिस में इसलिए कि मजलिस के बाद वहां खाने का इंतजाम है, ये भी नियत। मैं चला हूँ फला मजलिस में इसलिए कि फला साकिर पढ़ रहा है, ये भी एक नियत है। मैं निकला हूँ मजलिस में जाने के लिए इसलिए कि बड़ी दूर से एक साकिर आया जिसको मैंने कभी नहीं सुना, शायद कोई नई बात वो पढ़े, ये भी एक नियत है कि नहीं, ये भी एक नियत है। मैं निकला हूँ मजलिस में जाने के लिए, क्यों, उसी मजलिस में और भी मजलिस तो हो रही है, पता चला कि मुझे उन फला साकिर की मजलिस बहुत पसंद है, तो ये भी एक नियत है। मैं निकला हूँ आज एक नए साकिर पढ़ना, जैसे मैं आज पढ़ रहा हूँ, भाई साहब ने कहा कि हाँ मैंने आपका नाम मही मत पूछना है, जैसे मैं आज पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कुछ ऐसे हो, अरे पहले फला साहब पढ़ा करते थे, अब देखें एक नया साकिर आया, देखते हैं चलते हैं कैसी मजलिस पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कौन से मतलब पढ़ता है, ये भी एक नियत है। तो नियतें मुख्तलिफ है, होती है कि नहीं, ये ज़ादारी में नियतें मुख्तलिफ होती हैं।
लेकिन अजीजाने मोहतरम कमाल यह है कि बकिया इबादत में नियत एक होती है, बकिया जितनी इबादत है, नमाज है एक नियत, रोजा है एक नियत, हज है एक नियत, खुम है एक नियत, दो तीन नियतें आप नहीं दिखा सकते, इसलिए कि दो तीन नियतें अगर एक नमाज के लिए करेंगे नमाज गलत हो जाए और बगैर नियत के कोई अमल काबिल कबूल भी नहीं है। इन वाला अमल भी नियत अमल का दार मदार नियत पर होता है। आप नमाज पढ़ने खड़े हुए नियत बातिल, अगर नियत नहीं की तो नमाज बातिल हो जाएगी। अजादारी को जब हमने तस्लीम कर लिया है कि ये इबादत है तो इसकी नियत होनी क्या चाहिए। मुख्तलिफ नियतें हैं, बच्चा है तो वो अलग नियत करता है, जवान है वो अलग नियत करता है अजादारी के लिए, बूढ़ा है उसकी नियत अलग होती। क्यों? नियतों में तब्दीली होती है और एक नियत मुहैया नहीं की गई, इसलिए सबका शऊर सबकी अकल अलग है। बच्चा है उसका शऊर कायम अलग है, जवान है उसका शऊर कायम अलग है, बूढ़ा है उसका शऊर अलग है। जितनी भी इबादतें हैं सब में एक नियत होती है, लेकिन इबादत आजादारी एक ऐसी इबादत है जिसमें नियतों को महदूद ही नहीं किया गया है। जो जैसी नियत लेकर आता है वैसा पाता है, जो खाने की नियत से जाता है उसे खाना मिलता है कि नहीं, जो ताकी को सुनने की नियत से जाता है उसे मैटर मिलता है कि नहीं, जो तबरुक अच्छे तबरुक की नियत से जाता है उसको तबरुक भी मिलता है, जो जिस नियत से आता है उसको वैसा मिलता है। ये ऐसी इबादत है कसम खुदा की, ये दर ही ऐसा है, जो जिस नियत से आता है उसको मिलता जरूर है। अब आपको याद दिलाऊं, अल्लाह कह रहा है वाकियात को बयान करो, विशिष्टा वाकियात को बयान करो ताकि लोग सोचने लगे समझने लगे। अब वाकिया याद दिलाता हूं कि जो जिस नियत से आया करे अहले बैत को उसको वैसा मिला। यतीमो फकीरो मिस्कीन, आया यतीम कहा मुझे मेरे पास लिबास नहीं है, मिला कि नहीं लिबास। आया फकीर कहा मेरे पास खाना नहीं है, खुद भूखे रह गए अहले बैत अलैहिस्सलाम, लेकिन उस आने वाले को खाना दिया कि नहीं दिया। मिस्कीन आया मेरे पास लिबास नहीं है, यतीम आया मेरे पास खाना नहीं है, जो जैसे आया मिला कि नहीं। या और आगे आप बढ़िए, फितरू से बेपर किस नियत से आया था, उसके पास पर नहीं थे, पर नहीं थे, इसके बाद पर लेने की नियत से आया, पर मिला कि नहीं। राहिबे की औलाद, जिसके पास औलाद नहीं थी वो औलाद लेने की नियत से आया, औलाद मिली कि नहीं। जो खुद को बदलने की नियत से आया, बदला कि नहीं। हुसैन ने बदले में शराबतें दी, नजाबतें दी। एक सवाल पर नियत का दारोमदार आपके हर इंसान के अक्ल और वहम के इतबार से होता है। जिसकी मारिफत जितनी अमीक होगी, जिसका इल्म जितना अमीक होगा, इमाम हुसैन अलैहि सलातो व सलाम की आज़मत को देखते हुए उसकी नियत उतनी ही बुलंद बाला होगी। मारिफत जैसी होगी वैसी नियत होगी, जितनी मारिफत होगी उसी एतबार से नियत होगी। आप मजलिस में जा रहे हैं लिहाजा कसम खुदा की अपनी नियत को देखिए और नियत को खाने पीने तक महदूद न कीजिए। नियत को खाने पीने तक महदूद न कीजिए। हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम को जब जमीन पर भेजा गया, एक होती है बेमारिफत नियत, एक होती है मारिफत के साथ नियत। एक जो बेमारिफत नियत होती है वो उसमें ये तजस्सुम सोचा है कुछ मिल जाए बदले। जो मार्फत के साथ नियत होती है उसमें ये होता है कुछ मिले ना मिले, जिस शख्सियत के तवस्सुस से मिलता है मुझे वो शख्सियत ही मिल जाना चाहिए। तो क्या कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, तो चूंकि नबी है, सिर्फ इंसानों के नबी नहीं जानवर वगैरह सबके लोग, लिहाजा जितने भी जानवर उस वक्त मौजूद थे सब जनाब आदम की ज़ियारत को जाते हैं और जनाब आदम उनके लिए दुआ करते हैं, वो वापस आ जाते हैं और अपनी जगह पर चले जाते हैं। हिरण का एक ड्राइवर, हिरण का एक ग्रुप आता है
हजरत आदम की ज़ियारत के लिए आया। देखिए हिरण के दो तरीके के होते हैं, हिरण दो तरीके के होते हैं। एक वो हिरण होता है जिसको कहा जाता है मुश्के नाफा। मुश्के नाफा का क्या मतलब है? उसके नाफ के अंदर मुश्क की खुशबू पाई जाती है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू है। आप सभी जानते हैं मुश्क की खुशबू, उसके अंदर उसके नाफ के अंदर वो बड़ा ही कीमती हिरण होता है। और एक हिरण वो होता है, हिरण का ग्रोह होता है जिसके अंदर ये नहीं पाया जाता। तो हिरण का एक ड्राइवर जनाब आदम की ज़ियारत के लिए आया, बहुत तवज्जो नियत, अगर इखलास हो बामारिफत हो तो क्या मिलता है, और बामारिफत हो इखलास के साथ नहीं होता है तो क्या मिलता है। ये लोग आए हजरत आदम की ज़ियारत के लिए, हजरत आदम ने इनके पुष्ट पर हाथ फेरा, हाथ फेरने के बाद दुआ की, दुआ की। जब ये लोग वापस आने लगे तो इन लोगों ने महसूस ये हुआ कि हमारे अंदर मुश्क की खुशबू पाई जाती है जो आज से पहले नहीं थी। यानी जनाब आदम ने दुआ की तो उनके अंदर वो खुशबू पाई जाने लगी जो पहले नहीं थी। अब ये अपने ग्रोह में जब आए हैं, हिरणों के ग्रोह में जब आए हैं, तो उन लोगों ने भी महसूस किया ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उन लोगों को ये महसूस किया ये खुशबू इन लोगों के अंदर से आ रही है। तो पूछा खुशबू कहाँ से लेकर आए, तो कहा हम गए थे हजरत आदम की ज्यारत के लिए, ये खुशबू उन्होंने हमारे लिए दुआ की, खुशबू हम वहीं से लेकर आए हैं। अब ये लोग भी चले गए ज्यारत को और ज्यारत की, इनके लिए भी दुआ की। लेकिन जब ये वापस आए तो इनके अंदर वो खुशबू नहीं पाई जा रही है। जाहिर सी बात है उनके अंदर खुशबू पाई जा रही है, हमारे अंदर नहीं पाई जा रही है। तो सवाल तो होगा, लिहाजा पूछ बैठे, तुम लोग भी गए थे, तुम्हारे लिए भी दुआ की, लेकिन तुमको मिला वो मुश्किल खुशबू मिली। हम भी गए, हमारे लिए भी दुआ की, लेकिन मुश्किल खुशबू नहीं मिली। वजह क्या है, सबक क्या है, हिम्मत क्या है? तो इन लोगों ने कहा कि असल बात ये है कि हम खुलूस नियत के साथ गए थे, और तुम उस वक्त गए जब तुमको ये पता चल गया कि इनको मुश्किल की खुशबू मिली है। तुम्हारे अंदर खुलूस नहीं था, तुम खुशबू लेने की नियत से गए थे। तुम खुशबू लेने के लिए से गए थे। अज़ीज़ान ईमान, अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी नियतों को खालिस कीजिए। कसम खुदा की नियत खालिस होगी तो जितनी बुलंद शख्सियत है जिसके लिए जा रहे हैं, जिसके बारगाह में जा रहे हैं, अज़मत मारिफत अगर निगाह में होगी, उस नियत जितनी बुलंद होगी वैसा ही बुलंद मर्तबा आपको मिलेगा। इस बात पर नियत, नियत असरदारी कैसी होनी चाहिए, जितनी बुलंद आपकी नियत होगी उतना बुलंद मर्तबा आपको मिलेगा। अब अजीजा ने मतलब किसकी किसकी ज्यारत के लिए आप जाते हैं, ताजी की ज्यारत करते हैं, अलग की ज्यारत करते हैं। एक मर्तबा तो अपने अंदर छाके क्या मैं इस लायक हूं, क्या मेरी जबान इस लायक है कि मैं कह सकूं अस्सलामु अलैका या बाकिल्ला, क्या मैं इस लायक हूं जिसकी मजलिस में जा रहा हूं उसकी आजमत मेरी निगाहों में है, क्या मेरा अफाल किरदार ऐसे है, किस नियत से जा रहा हूं। नियत देखे असमत इमाम हुसैन अलैहि सलातो व सलाम ने की। खाने पीने की चीजें तो यूं ही बांटते हैं, इधर ऐसा है कि जो भी आएगा मिलता है, अपना आया पराया आया जो आता है सबको मिलता है। आपने एक शेर सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बड़ा खूबसूरत शेर बयान किया है शायर ने, ये मजलिसें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, ये मजलिसें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। ऐसे ही शायर ने नहीं कह दिया है, अदीस उसके निगाह में थी, किस नियत से जा रहे हो, जन्नत की नियत, जन्नत लेने की नियत से जा रहे हो मिलेगी यकीनन, खाने की नियत से जा रहे हो वो भी मिलेगा, लेकिन कहाँ खाना और कहाँ जन्नत, कहाँ खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर मिल जाए। मजलिसें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर, वहीं तक आ गया और भी निदामतें लेकर, जहाँ हुसैन खड़े थे शराफतें लेकर, जहाँ हुसैन खड़े थे शराफतें लेकर। लिहाजा नियत जैसी होगी वैसा मिलेगा,
आपने सुना होगा, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास। ये शेर बड़ा मशहूर है, मालूम है, सभी को याद है। महमूद अयास का किस्सा आपको पता है? महमूद जो है वो सुल्तान था, बादशाह था, बादशाह महमूद। उसका एक गुलाम था जिसका नाम अयास था। अब बड़ा ही बदशक्ल था, बड़ा बदसूरत था, काला था। लोगों को ताज जितने भी अरकान सल्तनत थे सबको ये ताज्जुब होता था कि कैसे ऐसा हो गया कि बादशाह इसको इतना चाहता, जहां भी जाता है इसको अपने साथ लिए रहता है। जाहिर सी बात है, बादशाह के साथ साथ अगर ये है ऐसा शख्स तो एतराज तो होगा। लिहाजा एतराज हुआ कि जहां भी जाता है बादशाह इसको अपने साथ लेकर जाता है। आखिर वजह क्या है, सबब क्या है, ये बात बादशाह को भी मालूम हुई। तो बादशाह ने इम्तिहान लेना शुरू किया। अब बादशाह ने इम्तिहान कैसे लिया, जा रहा था सफर पर अपने सारे अरकान सल्तनत को लेकर भी चल रहा था। तो बादशाह ने एक सोने और चांदी जो भी सरो जवाहरात थी उसकी थैली निकाली। थैली निकालने के बाद धीरे धीरे बादशाह ने गिराना शुरू किया वो सिक्के वो सरो जवाहरात। और जब सिक्के और सरो जवाहरात गिराना शुरू किया तो पीछे जितने भी अरकान सल्तनत थे सब उठाने में लग गए। उठाने में लग गए तो जाहिर सी बात है जब उठाएंगे तो देर तो लगी नहीं। इतने में बादशाह आगे बढ़ गया। बादशाह ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, कोई नहीं है साथ, सिर्फ कौन था, अयाज उसका गुलाम साथ था। उससे पूछ बैठा बादशाह, तुम क्यों नहीं गए, तुम क्यों नहीं गए। कहा वो सरो जवाहरात के लिए आए थे, सरो जवाहरात चुनने में मशगूल हो गए, थोड़ा देर में आएंगे। मैं इसलिए नहीं गया कि जब मैंने साहिबे जरो जवाहरात को तर्क कर लिया है, जब खुद साहिबे जरो जवाहरात बादशाह को पा लिया है तो फिर मुझे जरो जवाहरात की क्या जरूरत। आप खुद देख लीजिए जो जरो जवाहरात के पीछे पड़ गया वो बादशाह से कितना पीछे हो गया। लिहाजा मजलिस में जाए कोशिश ये करें कि हुसैन को पाए, दुआ ये करें कि हुसैन मिल जाए, मारफत हुसैन मिल जाए, किरदार हुसैनी के हामिल हो जाए। इस नीयत के साथ जाइए, यकीन जानिए अगर नीयत खालिस होगी तो जब हुसैन मिलेगा तो खुदा हुसैन भी मिलेगा और पैगंबर हुसैन भी मिलेगा, मादर हुसैन भी मिलेगी। ये सलवात पर खुद हुसैन को पाने की कोशिश कीजिए, नियत को खालिस रखिए। अब खालिस कैसे, जब भी जरील के पास जाए, अलम के पास जाए, इमाम बाड़े में जाए, मजलिस में जाए, कोशिश ये करें कि बावजूद जाए पैगंबर का, पैगंबर की सुन्नत रही है कि पैगंबर इस्लाम जब जिक्र अली करते थे तो बावजू होकर किया करते थे। जिक्र अली पैगंबर जब किया करते थे तो बावजू होकर किया करते थे। लिहाजा मजलिसों में जाए, कोशिश ये करें जिस तरीके से हमने तस्लीम ये किया है कि ये इबादत है, बकिया इबादतों में बावजू होकर जाते हैं, उसी तरीके से जब हमने तस्लीम कर लिया है कि ये भी इबादत है तो पाकों पाकीज़ा तैयबों ताहिर होकर जाना चाहिए और हज़रत हुसैन आपकी निगाहों में होना चाहिए। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की ज़ियारत को जाते हैं। देखिए मौला ने हमें सिखाया है किस तरीके से ज़ियारत को जाए और जब सामना हो तो आपकी हालत कैसी होनी चाहिए। बैतुल्लाह की ज़ियारत को जाते हैं, काबे की ज़ियारत को जाते हैं, गाड़ी बयान करता है जिस सवारी पर थे। जैसे ही मौला ने काबे को देखा, काबे का दीदार हुआ, बैतुल्लाह का दीदार हुआ, मैंने देखा कि मौला ऐसा लग रहा है कि डगमगा रहे हैं, उनकी हालत दिगरगुन हो गई है। वो कहना ये चाह रहे हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक, जो काबे को देखकर कहा जाता है अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक। मैंने महसूस ये किया कि मौला ये कहना चाह रहे हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, लेकिन मौला कह नहीं पा रहे हैं। मैं बढ़ने के बाद मैं इमाम के पास गया। इमाम के पास जाने के बाद मैंने पूछा, ये मौला मैं आपकी हालत क्या देख रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं, क्या बात है, क्या माजरा है। इमाम ने फरमाया, यकीनन क्या देख नहीं रहे हो किसका सामना हो रहा है, वो जात जो सबसे बड़ी है, अल्लाह अकबर कहते हैं जिसके लिए
इसका सामना हो रहा है, देख नहीं रहे हो। मैं यकीनन मैं कहना चाह रहा हूँ अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। एक मतलब एहसास ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उधर से पलट कर आवाज आ जाए ला लब्बैक ला सादैक, मैंने तुम्हारे लब्बैक को कबूल नहीं किया, मैंने तुम्हारे आने को कबूल नहीं किया। मौला इतनी बड़ी मार्फत रखने के बावजूद ऐसी हालत हो जाती है, क्यों ऐसी हालत है वो हमें बताना चाहते हैं। जब भी उस अजीम शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाओ, और अगर ज़ियारत को न जा सको तो ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाओ तो अज़मत हुसैन निगाहों के सामने होना चाहिए, अपने अफारत किरदार निगाहों के सामने होना चाहिए। जब ये करो अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, तो एक मरतबा जरूर ये एहसास होना चाहिए, ये शर्मिंदगी होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उधर से पलट कर आवाज आ जाए मैंने तुम्हारे सलाम को कबूल नहीं किया, तुम्हारे आने को कबूल नहीं किया। तुम तो खुद बखुद आ गए। यादा जब भी जाए, क्योंकि ये अजीम जगह है, अजीम शख्सियत है, यकीन जानिए जिस नीयत के साथ आएंगे, नीयत जितनी भी अजीम होगी वैसे ही आपको उस नीयत के बदले में जजा भी मिलेगी। एक सवाल पर हम याद रखिए, आज के बाद कोशिश ये कीजिए कि जब भी आजादारी में शिरकत के लिए जाएं, जब भी जुलूसों में शिरकत के लिए जाएं, जब भी जमीन के पास जाएं, तो अजमत हुसैन, मारफत हुसैन, जलालत हुसैन आपकी निगाहों के सामने होना चाहिए। और कोशिश ये करें नीयत ऐसी हो कि हुसैन मिल जाए, इसलिए कि जब हुसैन मिल जाएंगे तो दुनिया की सारी चीजें आपको मयसर हो सकती हैं, मिल सकती हैं। यही हुसैन है जो इस्लाम की खातिर हुसैन ने कुर्बानी दी है, इस्लाम की हिफाजत के लिए हुसैन ने अपना अजीज वतन मदीना छोड़ा है। यह हुसैन के दिल से पूछने की बात है कि किस तरीके से अपने अजीज वतन को अलविदा कहा होगा। हम आप जब वतन से दूर होते हैं तो वतन की याद आती है कि नहीं? याद आती है, दिल तड़पता है, खास तौर पर कब? जब माह मुहर्रम होता है और हम वतन से दूर होते हैं तो ज्यादा याद आती है। लेकिन एक मतलब ये एहसास जरूर होता है दिल में, जहन में ये बात जरूर होती है कि मैं जरूर अपने वतन वापस जाऊंगा। मगर मौला के दिल से पूछिए जिनको ये पता था कि अब वतन वापस नहीं आना है, किस तरीके से अपने अजीज वतन को अलविदा कहा होगा, किस तरीके से रुखसत हुए होंगे अपने वतन से। वो वतन जहां पर बचपन की यादें मौजूद थी, यानी गलियों को जब देखते थे तो शायद एक मरतबा इमाम हुसैन को याद आता हो, यही वो गलियां हैं जहां पर मेरे नाना जान दाता बनते थे और हमें पृष्ठ पर सवार होकर ले जाया करते थे। यही वो वतन है, यही वो मदीना है जहां पर हमारे नाना ने हमें जबान चुसा चुसा कर पाला है। किस तरीके से अलविदा किया होगा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से के दिल से पूछने वाली बात है। किस तरीके से उन्होंने वतन को अलविदा किया होगा, किस तरीके से माँ की कब्र से रुखसत हुए होंगे, किस तरीके से नाना रसूल खुदा की कब्र से रुखसत हुए होंगे। कहा गया रुखसत होते हैं अपने भाई की कब्र से, माँ की कब्र पर आते हैं, माँ की कब्र पर आने के बाद सलाम करते हैं, हे अम्मा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। आवाज आती है, हे बेटा, हे मेरे मजलूम बेटा, मेरा भी सलाम कबूल करो, आज के बाद से मैं इस कब्र में नहीं रहूंगी, जहां जहां तुम जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे ये दुखियारी माँ भी आती रहेगी। नाना रसूल खुदा की कब्र पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं, आने के बाद सलाम करते हैं, और अजीब रिवायत है, रिवायत बताती है कि
भैया की कब्र पर गए तो कदम जमा कर गए हैं, नाना की कब्र पर गए कदम जमा कर गए हैं, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माँ की कब्र पर गए हैं इस तरीके से गए हैं जैसे बच्चा घुटनियों चलता है उस तरीके से माँ की कब्र पर गए हैं, और पैगंबर इस्लाम की कब्र पर 2 से 3 मर्तबा गए हैं। जब आखिरी मर्तबा पैगंबर की कब्र पर रुखसते आखिर के लिए गए हैं तो गिरिया फरमाते फरमाते अपने रुखसार को नाना की कब्र पर लगा दिया, और लगाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पैगंबर का सीना मिल गया हो। जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम बचपने में अपने सीने से लगा लिया करते थे, गोया इमाम हुसैन को ऐसा महसूस हुआ कि पैगंबर नाना जान का सीना मुझे मिल गया है। लिहाजा सो गए और नींद आई, ख्वाब में पैगंबर इस्लाम को देखा, क्या देखा? पैगंबर इस्लाम के साथ फरिश्तों का हुजूम है। पैगंबर फरमाए ए बेटा हुसैन जल्दी तुम हमारे पास आ जाओगे, ए बेटा हुसैन जल्दी तुम अपने वालिदे गरानी और अपने माते गरानी के पास आ जाओगे। एक मतलब इमाम हुसैन ने कहा ए नाना जान क्या ऐसा नहीं हो सकता आप मुझे अपनी कब्र में ले लें, आपकी उम्मत ने बहुत सताया है, आपकी उम्मत ने हमारे ऊपर जुल्म किया है, आपकी उम्मत ने हमारे साथ बड़ी हसलूकी की है, हुस्न सलूक से पेश नहीं है, ए नाना जान क्या आप मुझे कब्र में नहीं ले सकते? ए बेटा हुसैन वादे तिकली को निभाना है, मैं देख रहा हूँ तुम्हें कर्बला के चटियल मैदान में भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। ए बेटा जाओ दीन इस्लाम की हिफाजत करना है, खुदा के दीन को महफूज करना है, जाओ शहादत पेश करनी है, तुम्हें भूखा और प्यासा मारा जाएगा। आप जिम्मेदार हुए बैतुश शरफ में जब आए अपनी बहन ज़ैनब से ख्वाब बयान किया, गिरिया मंजूर हुआ, रुखसत होने लगे, और रुखसती के लिए एक मर्तबा अलविदा कहने के लिए मौला हुसैन अपनी नानी उम्मे सलमा के पास आते हैं, आकर कहते हैं नानी जान खुदा हाफिज। जैसे ही ये सुना नानी जान तड़प गई, उम्मे सलमा ने तड़प कर कहा ए बेटा हुसैन देखो कहीं भी चले जाना लेकिन इराक की तरफ ना जाना। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने तुम्हारे नाना से सुना है इराक की सरजमीन होगी, करबला का मैदान होगा, वहां मेरा नवास है हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। मैं मौला हुसैन ने कहा ए नानी जान मुझे पता है मुझे शहीद किया जाएगा, क्या आप सरजमीन करबला को देखना चाहती हैं? एक मर्तबा इशारा किया सरजमीन करबला बुलंद हुई, ए नानी जान देखिए यहाँ पर मेरा अकबर शहीद होगा, ए नानी जान देखिए यहाँ पर मेरा अस्तर शहीद होगा, ए नानी जान देखिए यहाँ पर मेरा भैया बाजू कटा कर सोएगा, ए नानी जान यहाँ पर मेरे कासिम का लाशा पामाल किया जाएगा। ए नानी जान वो नशेब देख रही है, वो नशेब वो है जहाँ पर मेरा सर वतन में जुदाई की जाएगी। मुनादी ने दा देगा अल्लाह पर कुतल हुसैन बे करबला, अल्लाह पर जुबैर हुसैन बे करबला। ये दिखाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की मिट्टी थोड़ी सी अपने उम्मे सलमा को दी, ए नानी जहां ये लीजिए ये खाके करबला, जब तक ये खाक खाक रहेगी समझिएगा आपका बेटा आपका नवासा हुसैन जिंदा है, जिस दिन ये खाक खून में तब्दील हो जाएगी समझिएगा आपका बेटा कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। असरे आशूर उम्मे सलमा खाक देख रही थी, क्या देखा? पैगंबर इस्लाम के बाद उलझे हुए परेशान हाल है, परेशान बाल है, आस्तीने उल्टी हुई है। एक मर्तबा पूछा या रसूल अल्लाह ए मेरे वालियो आपका ये कैसा हाल है, ये परेशान क्यों है नजर आ रहे हैं? फरमाया अरे करबला के मैदान में
करना शुरू किया, सर और सीना पीटने लगी। हाय हुसैन, हाय हुसैन। हमारी हमें तो हम उस तरीके से मजलिस कर सकें जो मजलिस करने का हक है। हमारे वास्ता मुहम्मद वाले मुहम्मद का हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। हमारे वास्ता मुहम्मद वाले मुहम्मद का हमें जो मरीज हैं उनको शिकायत का अनुभव।